नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश यादव। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी खुद की वीडियो पे सब्सक्राइब की एनिमेशन बटन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी कि एक यूट्यूब वीडियो प्ले होता है, उसके बीच में एक इंट्रो आता है, मतलब सब्सक्राइब का एक एनिमेशन आता है, तो वो वीडियो को अलग ही लुक देता है, एक प्रोफेशनल लुक देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप अपनी खुद की वीडियो में कैसे लगा सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पे काफ़ी सब्सक्राइब की काफ़ी सारी वीडियो 9 सेकंड 10 सेकंड के पड़ी हैं, आपको जो वीडियो अच्छा लगेगा उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप डाउनलोड करने आपको क्या करना है, उस चीज़ को अपनी वीडियो में कैसे सेट करना है, कैसे लगाना है, तो वो सब कुछ मैं आपको अपनी फ़ोन के स्क्रीन पे बताता हूँ, और कैसे डाउनलोड करते हैं सब वो भी आपको स्क्रीन पे ही बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। तो जब आप इस साइट को अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं सब्सक्राइबर के, आप देख सकते हैं काफ़ी, आप कोई भी इसमें से वीडियो एनिमेशन डाउनलोड करिए और अपने वीडियो में लगा दीजिए। तो और काफ़ी सारे इसमें एनिमेशन दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप लगा सकते हैं वीडियो में। तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है एनिमेशन, ये जो 4K लिखा है, तो इसको हम प्ले करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है एनिमेशन। तो इसे डाउनलोड करना सबसे इजी, यहाँ पर फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि फ्री डाउनलोड लिखा है, इस पर टच करिएगा। और आपको जिस साइज में चाहिए, चाहिए MB में चाहिए, 2.2 MB में चाहिए, 1.4 MB में चाहिए, KB में भी है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। हम अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर ऐप को यूज़ करते हैं, आप अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, तो आपको काइन मास्टर ऐप पे ही बताते हैं। ये प्लस वाले आइकन पे चले जाइएगा, फिर 16:9 रेशियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। तो आपको बताने के लिए हम एक वीडियो ले लेते हैं छोटा सा, ये मनोज देव का वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वीडियो, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे एनिमेशन को कैसे लगाते हैं। फिर आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद मीडिया को सेलेक्ट करना है, मीडिया को सेलेक्ट करेंगे तो आपने डाउनलोड कर रखा होगा तो आपको शो होगा, देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी सारे एनिमेशन को डाउनलोड कर रखा है, तो अपने एनिमेशन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसका आइकन काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बैकग्राउंड को छोटा करने के लिए, काटने के लिए, यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको यहाँ क्रॉपिंग के ऑप्शन पे चले जाइए और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, छोटा बड़ा लंबा जैसा आपको एडजस्ट करना है वैसा एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर इसे आपको एक बार टच करना है, फिर अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके सेव कर देना है। तो मनोज देव की वॉइस काफ़ी तेज़ है इस वीडियो में, मैं इसे साइलेंट कर देता हूँ, साइलेंट करने के बाद आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसा वर्क कर रहा है। आपने देख लिया कि ये कैसा वर्क कर रहा है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये बैकग्राउंड को हटाना, ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है अगर आपको इसे हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन है, यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर चले जाना है, क्रोमा की के ऑप्शन पे जाने के बाद इसे इनेबल कर देना, चालू कर देना, तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है हट गया। इस पे आप देखिए यहाँ पर 28 सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर 50 सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसके बाद राइट करके फिर आपको इसे एडजस्ट करके फिर आपको एक बार प्ले करके दिखाते हैं ये अब कैसा वर्क कर रहा है। दोनों एनिमेशन में से आपको जो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, उसे आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वैसी वीडियो आपको लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।